नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आई बी एन 24 पर। एक बार फिर से करनाल के जेनेसिस क्लासेस ने इतिहास रचा है। करनाल का एक स्टूडेंट जिसका नाम अर्चित है, निट के अंदर 720 में से 705 अंक वो लेकर आया और इतिहास उसने रचा है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे आप सामने देख पा रहे हैं निट में, सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया। अधिकतर जो बच्चे हैं सभी ने क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे मार्क्स के बच्चे लेकर आए निट के अंदर। पहले जिन क्लासेस के लिए ये बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, कोटा, राजस्थान में जाया करते थे, ये सभी कोचिंग अब करनाल के जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में ही इनको मिल जाती हैं। और पिछले लंबे समय से जो जेनेसिस क्लासेस है लगातार ऐसे बच्चों को निकाल रहा है जो बच्चे यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर ना केवल अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं बल्कि अपना फ्यूचर भी बहुत अच्छे तरीके से बना पा रहे हैं। क्या कुछ बच्चे इस बारे में कहते हैं, सबसे पहले अर्चित से बात करते हैं। अर्चित, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, 720 में से 705 मार्क्स, कभी सोचा था कि निट में एक बच्चा करनाल का इतिहास रख देगा 705 मार्क्स लेकर? नहीं, सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ टीचर्स की मेहनत है, ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट है जो आज ये पॉसिबल हो पाया। तो टीचर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जेनेसिस के टीचर मतलब बेस्ट है, नॉर्थ इंडिया के मतलब सबसे बेस्ट टीचर्स यही हैं, मैं तो मतलब ये मेरा मानना है, ठीक है। कभी भी वो डीमोटिवेट नहीं होने देते, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कभी भी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आती। डाउट पूछने को कभी भी किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ऑल इंडिया कितना रैंक है आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 51 है। ऑल इंडिया रैंक 51 है, यानी कि 51वां रैंक पूरे भारत में अपने आप में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और स्टूडेंट है, उनसे जानते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से टीचर्स का सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और आज आप नेट क्लियर कर पाए? टीचर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने किसी भी टाइम जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने उसी टाइम आंसर किया। इसके लिए मेरे नंबर यहाँ पहले नहीं आ रहे थे, जो अब मेरे नंबर 690 आए हैं और एयर मेरी 297 आई है, ये सब टीचर्स की बदौलत ही हो। खुश है? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि सर की वजह से आज मैं यहाँ पे। सोचा था इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? ऐसा कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर भी विश्वास था कि अपने ऊपर कुछ अच्छा ही होगा। तो हमारे साथ एक और यानी कि लड़की है गुनीत, उनका भी बहुत अच्छा रैंक आया, उनसे बात करते हैं। गुनीत, क्या आप बताना चाहोगे, जब तैयारी आपने शुरू की थी, जेनेसिस में एडमिशन लिया था, आज आप नीट क्लियर कर चुके हो, कभी सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे नंबर्स आएंगे और इस तरह से मीडिया से भी रूबरू होना पड़ेगा? नहीं, मतलब मैं जेनेसिस में ड्रॉपर बैच में आई थी, जब मैंने ड्रॉपर में ज्वाइन करा था मेरे पहले मार्क्स बहुत कम थे, मतलब जेनेसिस में आके मेरा सब कुछ इम्प्रूव है। मेरी फिजिक्स जीरो थी, मैं अगर यहाँ पे जब आई थी तो पूरी टीचर्स की हेल्प से, मतलब ये लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं, सारी फैकल्टी जो कुछ भी डाउट लेना हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेरा सब कुछ यहीं पर आके इम्प्रूव है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ एक साल में क्रैश करा जो भी नीट करा है, तो मैं तो बस थैंक यू करना चाहूँगा। टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे? नवनीत सर मतलब बेस्ट फिजिक्स, मैं कहूँ पूरे नॉर्थ में भी अगर मैं देखूँ ना, मुझे सर जैसे कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते थे बिल्कुल बहुत अच्छे से, इमेजिन करा करा के सब कुछ इतना थॉटफुली कराते थे कि बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया एक साल में, मतलब मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी। कितने मार्क्स आए आपके, क्या रैंक? 618। और रैंक क्या आपका? 12405। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो खुद बता रहे, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिन बच्चों ने ये खुशी प्राप्त की है, जिन बच्चों को इतने अच्छे नंबर हासिल हुए हैं, उन्हीं से आप पूछ कर देखिए कि कैसे उनके पेरेंट्स ने करनाल में ही रहकर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्हें यानी कि दाखिला दिलवाया, एडमिशन दिलवाया। और कोटा, राजस्थान, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर करनाल में ही इन्होंने जो अपना विश्वास बताया, कहीं ना कहीं वो पूरा हुआ। भूमिका, आप क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से और बच्चे भी होंगे जो बाहर जाने की सोचते हैं कि शायद बाहर ज़्यादा अच्छी स्टडी होती है, जेनेसिस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, पहले मैं बाहर ही थी, 11th 12th में मैंने दिल्ली में ही गई थी, बट वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर। एंड यहाँ पर जब मैं ड्रॉप ईयर में आई थी अपने, बट यहाँ पे टीचर्स बहुत ही मोटिवेट रखते हैं, टीचर्स वन टू वन अटेंशन देते हैं एंड वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं बच्चों के, हर एक उनके एक्शन पे चेक रखते हैं। एंड जब मैं आई थी यहाँ पर तो मेरी फिजिक्स रियली मतलब बिल्कुल भी मेरे को समझ नहीं आती थी, एंड जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे को सर ने विजुअलाइज करना सिखाया कि कैसे फिज़िक्स को विजुअलाइज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड कभी भी मैं जब डीमोटिवेट होती थी तो चारों सर जो हमारे दो बायो के थे, फिज़िक्स के नवनीत सर, जितेंद्र मिश्रा सर एंड मनीष सर, चारों के चारों बहुत ही अच्छे हैं। एंड जो इनका दूसरा स्टाफ है, जो टीचर्स नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। एंड ऑल्सो मेरी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी मेरे को हमेशा बेस्ट विशेस दी हैं। बाकी बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे बाहर जाने की सोचते हैं? या मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो यहीं पर ही आएँ, एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट
एंड मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, सो आप टाइम वेस्ट ना करें और यहीं पर ही आएँ। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो टीचर है वो बच्चों का फर्स्ट पेरेंट होता है, तो सबसे पहले उनके उसी पेरेंट से बात करते हैं जो जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र अहलावत हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जितेंद्र जी, टीचर्स को फर्स्ट पेरेंट कहा जाता है, तो आप तो इस तरह से सैकड़ों हज़ारों बच्चों का आज तक फ्यूचर बना चुके हैं, और आज जो इतिहास रचा है, ये इतिहास पहले भी जेनेसिस रचता है, लेकिन जो बच्चे आज आपके बारे में बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा आपको लग रहा है आज? ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये हमारा लक है, हमारा भाग्य है कि हमें इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, और बच्चे अच्छे हैं इसलिए हम लोगों को अच्छा बोल रहे हैं। और जो भी ये सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे इतने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो इनका पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इनके साथ हैं। अगर बच्चा डीमोटिवेट होता है, पेरेंट्स साथ होते हैं, तो वो उसको ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होने देते। अब जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर कोई कोटा है, कोई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो अपने बच्चों को पता नहीं क्यों बाहर भेज रहे हैं, जब सब कुछ अपने लोकल में मिल सकता है। और ऐसा नहीं, करनाली भारत में बहुत टैलेंट है, भारत में हर छोटे शहर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं तो यही आह्वान है पेरेंट्स को, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने शहर में रखें, या फिर आपको इतना फेथ हो कि जहां आपका बच्चा जा रहा है, जिस हॉस्टल में रह रहा है, वहां पर सारा माहौल बढ़िया है, आपके बच्चों को वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा आप दे सकते हैं, तो आप छोड़ो। अदरवाइज़ तो आप ऐसी जगह भेजिए जहां पर आपको ये फेथ हो कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, जैसा मैं अपने बच्चे के साथ ट्रीट करूँगा वैसा हो रहा है। और मुझे लग रहा है सबसे बेटर ऐसा बहुत कम जगह हो सकती हैं कि भाई इसी तरह का ट्रीटमेंट मिले। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अपने शहर में कम से कम 12 तक, जब तक बच्चा छोटा है, अपने सामने पढ़ाएं। और अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसका एक सही यूज़ करें। अब इस समय क्या है कि मैक्सिमम जनता मोबाइल पर लगी हुई है, मैक्सिमम बच्चे क्या एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पूरे दिन भर मोबाइल पर लगे हुए, आँखें ख़राब हो रही हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो पेन और पेपर ही है, पेन पेपर से पढ़ाई होगी वो बेस्ट है। हाँ, अब हमारी मजबूरी है कि हमें लाइव क्लास, जैसे हम लोग लाइव क्लास करा रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं सारी की सारी, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल रही है। पर हम बच्चों से ये बोलते हैं, बेटा आपको रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े, आप लाइव क्लास कीजिए और उसके बाद नोट्स बनाइए और पेन और पेपर से कीजिए, तो उससे आगे भी सही रहेंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, जो अच्छी चीज़ें इतने बढ़ चढ़ के आप लोग दिखाते हो, इससे बच्चे मोटिवेट होंगे। बाकी भी अगर एक भी बच्चा आपके इस इंटरव्यू से, बच्चों के जो बच्चों ने अपने अपने आप को शेयर किया है, अपने थॉट शेयर किए हैं, उनसे एक भी बच्चा मोटिवेट होता है, तो हमारा एक अच्छा वर्क हमारे ऐड हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे साथ नवनीत जी हैं, जिनकी तारीफ हर बार बच्चे करते हैं, लेकिन हर बार मीडिया के कैमरे से बचते हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं। नवनीत जी, मैं चाहूँगा एक बार बताएं कि बच्चे इतनी तारीफ करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों को पढ़ाने की? आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। हमारे आपके टाइम में बात होती थी कि 60% 70% बच्चे मार्क्स ले लें, लेकिन आज तो 100 out of 100 ही पेरेंट मांगता है, टीचर मांगता है, बच्चे मांगते हैं। किस स्ट्रेटेजी से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो जेनेसिस के ऊपर विश्वास आज भी बच्चों का बना हुआ? सर देखो, स्ट्रेटेजी तो कोई खास नहीं होती है, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट बच्चा समझ जाए। अगर बच्चा सब्जेक्ट समझ गया तो उसके अपने आप मार्क्स आएंगे। मतलब ये नहीं करना है कि बच्चे को रटाना है, कोशिश ये करनी कि बच्चे को पूरा सब्जेक्ट ढंग से समझ में आए। अगर समझ में आ गया तो दैट इज़ क्लियर कि बच्चा अपने आप क्लियर करेगा। और नीट के एग्ज़ाम की बात मैं करूँ, पेपर आसान है, हमेशा आसान आता है। जो बच्चा 2 साल पूरा फोकस रह के पढ़ेगा, मतलब रेगुलर रहेगा अपने काम के प्रति, वो 100% सेलेक्ट होगा। कोई सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने के पीछे सिर्फ इतना सा अंतर है कि जिस बच्चे ने आपकी बात पूरी सुन ली, टीचर को अपने मतलब बिल्कुल मान लेना कि ये जो कह रहा है ये सत्य है, वो टीचर आपको कोई भी हो वो अच्छा ही पढ़ाएगा। और जब टीचर की आप पूरी बात मान लोगे तो आप 2 साल उसी के हिसाब से चलोगे। मेरे सामने लाइव एग्जांपल है मुदित, मैं आपको सही बताऊं, इसके 466 नंबर थे लास्ट ईयर और इस साल इसके नंबर है 685। बड़ा अंतर आता है। एक्चुअल में क्या है कि आप उस चीज़ को लेके चलो कि आपको पूरे साल भर पूरे तरीके से टीचर ने जो कहा उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को फॉलो करना है, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। यही स्ट्रेटजी। थैंक यू। जो स्टूडेंट हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं कि 466 से कैसे मार्क्स बढ़कर इनके 685-684 जो नंबर बता रहे आए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? पिछली बार दिल टूट गया होगा, आप खुश हैं? बिल्कुल, इस बार तो बहुत खुश हूँ। पिछली बार भी जेनेसिस से पढ़ा था, लेकिन टीचर्स ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, शायद मेरे में कमी थी, तो मैंने फिर से कोशिश करी, मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार पूरी तरीके से इन पर फोकस किया। कोई और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया, बस सिर्फ जेनेसिस पे ध्यान दिया और इन्हीं के नोट्स और इन्हीं की बुकलेट्स पे और एनसीईआरटीज, और सर का गाइडेंस तो बहुत अच्छा ही है और पेरेंट्स हमेशा साथ रहे। ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्होंने पूरा साथ दिया और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 685 है। आज बहुत खुश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वही टीचर,
वही क्लासेस, वही स्टूडेंट, वही एटमॉस्फेयर, और फिर से उसी बच्चे ने वहीं पर विश्वास दिखाया और फिर से मार्क्स लेकर अब नेट क्लियर कर लिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी ओर से भी और पूरे करनाल की ओर से भी, और आप भी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें, और जेनेसिस के इस इतिहास को लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि हर साल इस तरह की कवरेज हम करते हैं जब इस तरह के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। बाकायदा जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, किन स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाया, और लगातार ये कीर्तिमान करनाल में स्थापित होता जा रहा है। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।